हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू द चैनल के एक और नए न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर हीरो ब्राइन है कौन और उसकी रियल स्टोरी क्या है। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता कि हीरो ब्राइन कौन है, उनको मैं बता दूं कि हीरो ब्राइन एक ऐसा एंटिटी है जो आपके सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में आ सकता है और इसके आने से आपके वर्ल्ड में 2x2 के टनल्स और कई ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। ये आपको अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में दूर छुपा हुआ मिलेगा और इसके आने से आपको ओशंस में पिरामिड स्पॉन हुए और अपने पेड़ों के लीव्स गायब हुए मिलेंगे और इसके साथ साथ आपके प्लेस हुए टॉर्चेस भी रेडस्टोन टॉर्चेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बात तो आप सबको पता ही होगी, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर हीरो ब्राइन है कौन। तो बात शुरू होती है हमारे माइनक्राफ्ट के क्रिएटर नॉज से। तो नॉज अपने पीसी में अपने सेकंड फ्लोर के रूम में बैठा हुआ माइनक्राफ्ट को खेल रहा था। उसने अपने माइनक्राफ्ट के कोडिंग्स को ओपन किया और उसने कुछ मदद लेने की सोची। उसने अपने जो भी कमांड्स डाले उनको प्राइवेट में सेट किया, जिससे वो जो भी चेंजेस करेगा वो बस उसी के साथ होंगी। उसने अपने कंप्यूटर के AI इंटेलिजेंस से एक एंटिटी स्पॉन किया जो बिल्कुल स्टीव के जैसे दिखता था। उसने उसके जैसे दिखता हुआ एक एंटिटी स्पॉन किया जिसका नाम था हीरो ब्राइन। हीरो ब्राइन को वो स्टीव का रूप देना चाहता था, लेकिन उसके पास भी खुद स्टीव का ड्रेस था, तो वो हीरो ब्राइन को थोड़ा अलग दिखाना चाहता था। तो उसने हीरो ब्राइन की आंखों की पुतली हटा दी, जिससे उसके आंख पूरे वाइट हो गए। तो ऐसे स्टार्ट हुआ हमारा हीरो ब्राइन का स्किन। तो हीरो ब्राइन आखिर आया कैसे हमारे वर्ल्ड में, क्योंकि वो तो नॉच के कंप्यूटर में बस प्राइवेटली सेट था। तो नॉज जब अपना सारा काम उसने कोडिंग वाला कर दिया, फिर बात आई उस एंटिटी का नाम रखने का, क्योंकि कंप्यूटर खुद उसका नाम मांगता है ताकि वह उसको दिखा सके कि टेलीपोर्ट करना हो तो किसको टेलीपोर्ट करना है। तो नॉज ने अपने उसके नाम रखने का सोचा। तो सोचते सोचते 10 मिनट हो गए। कुछ देर के बाद उसका भाई आया। उसके भाई ने उसे एक वाटर का ग्लास दिया। वाटर का ग्लास उसने पकड़ा ही था कि उसने दिमाग में आया कि वह उसके भाई का नाम रखेगा, क्योंकि उसका एंटिटी का स्किन पूरा उसी के ऐसे मैच होता था, जिससे उसने अपने भाई का नाम से हीरो ब्राइन रख दिया। फिर हीरो ब्राइन को उसने ज़्यादा शक्ति नहीं दी थी। हीरो ब्राइन को उसने डैमेज देने का दूसरों को बस हाफ हार्ट का दिया था। अगर वो किसी को डैमेज करेगा तो वो हाफ हार्ट में ही कर सकता है और वो एक बार में मैक्सिमम 2 बार ही हिट कर सकता है, लेकिन उसे 2-3 बार खेलने के बाद नॉच भी बहुत बोर हो गया। तो बोर होते होते नॉच ने उसे इतना पावरफुल कर दिया कि वह पूरे माइनक्राफ्ट में राज कर सकता था। फिर नॉच को जोर की टॉयलेट आई। वह टॉयलेट करने ग्राउंड फ्लोर में गया। वह टॉयलेट गया ही था कि जोर की बाहर बिजली कड़की और बिजली कड़कने के साथ उसके कंप्यूटर से अजीबोगरीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई बम को फूटे फूटे रोक लिया जाए। वह अपने पीसी में गया और उसने अपने एंटिटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको अपना एंटिटी नहीं मिला। थोड़े दिन के बाद उसने अपना लैपटॉप को फिर से ऑन किया, लेकिन उसका लैपटॉप ऑन नहीं हुआ। उसके साथ अजीबोगरीब मैसेज आ रहे थे उसके फीडबैक से कि हु इज़ दैट एंटिटी। फिर उसके पास एक स्क्रीनशॉट आया जिसमें उसका एक एंटिटी का दिखाया था। फिर नॉच ने पहचान लिया कि वह उसका बनाया हुआ एंटिटी था। फिर वह समझ गया कि उस थंडरस्टॉर्म की वजह से वह अपने नाम पर राज कर रहा है। और इसी के साथ स्टार्ट होता है हमारे हीरो ब्राइन का कहानी। फिर नॉच ने अपने माइनक्राफ्ट को उस कोडिंग को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह कोडिंग हट ही नहीं रहा था, वह परमानेंट था। उसने फिर
उसे बड़ा ही डर लगा कि शायद उसका गेम अब ब्लैक लिस्ट में चले जाए, तो वह बड़े ही सोच में गिरा। उसने एक साल उसने मेहनत की, लेकिन वह फिर भी उसे हटा नहीं पाया। आखिरकार उसने हमेशा अपने गेम्स के अपडेट्स में लास्ट में लिखा रिमूव्ड हीरो ब्राइन, ताकि उसकी गेम की पहचान जा ना सके। और शायद हीरो ब्राइन को ड्रीम बॉय ने बुलाया होगा ताकि वह नकली स्मार्टी पाई को मार सके विजार्ड के कहने से। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी हीरो ब्राइन की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मोटिवेशनल के लिए, और जो जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।